ये लो भैया, यहाँ पर हो गया कांड। आरुष ने सेजल के बुक मार दिए आंख में। चिंपैंजी लग रहा भाई, आवाज भी निकाल दे फिर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गिल्डियर फैमिली व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे होंगे इस वक्त, और दीप्ति ने मुझे काम पे लगा रखा है। ये देखो, गमलों का जो स्टैंड है ना, इस पे मेरे को ये पेंट करना है। तो पेंट मैंने इस डब्बे से निकाल के इसमें रख दिया है, और अब मैं इस रेग मार्क से इसकी घिसाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर रस जम गया ना सारा, तो ये हट जाएगा, और उसके बाद इसमें के ऊपर जब पेंट करा जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट पेंटिंग होगी। तो पेंटिंग यानी कि पेंट हो जाएगा इसके ऊपर बढ़िया तरीके से। तो अभी का काम तो यही है, अभी यही कर रहा हूँ, और दीप्ति बना रही है खाना। बच्चे अभी पढ़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके चल रहे हैं पेपर। तो पेपर उनके ख़त्म हो जाएंगे तब थोड़ा सा रिलैक्स होगा, लेकिन फिर उसके बाद सेजल के 10th का बोर्ड आ जाएगा और आरुष का फाइनल आ जाएगा। तो बच्चों की पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। और बाहर का मौसम ऐसा चल रहा है ना यार आजकल, कि स्मोग इतना ज़्यादा है ना, सुबह उठो तो सामने की बिल्डिंग दिखना बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं दिखता सामने। तो अब 2:30 बज रहे हैं ना, तो अब जाके थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको पीछे की साइड देखो स्मोक टाइप दिख ही रहा होगा, अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो इस वजह से भी स्कूल भी काफ़ी बंद हो गए, दिल्ली सरकार ने कर दिए। यहाँ पर तो नहीं हुए हैं, बाकी देखते हैं। और अपनी बागवानी देखो, मस्त है यार। कुछ कुछ पौधे ख़राब भी हुए हैं, और कुछ कुछ पौधे सही भी हैं, चल रहे हैं। तो अभी बागवानी तो ठीक ठाक ही चल रही है। और दीप्ति यहाँ अंदर काम कर रही है। हाँ भाई, क्या काम कर रही? सफाई। तो ये है, अच्छा अच्छा मुझे लगा खाना वाना बना रही है, लेकिन वो किचन साफ कर रही है। तो फटाफट से चलो यार, मैं इसको सफाई कर लेता हूँ रेग मार्क लगा करके, और इसकी पुताई कर देता हूँ फटाफट। तो यार एक स्टैंड मैंने कर दिया है कंप्लीट, लेकिन मेरी हालत खराब हो चुकी है इसको रेग मार्क से घिस के और फिर पेंट करने में। मुझे लग रहा था बहुत ही आसान होगा, लेकिन आसान नहीं है बिल्कुल भी। एक वो पीछे दिखाओ, वो देखो, ये मैंने पेंट कर दिया है ऑलमोस्ट, और अब सेकंड वाले की बारी है। तो ये दीप्ति की स्ट्रेटेजी मैं समझ नहीं पाया, उसने बोला कि एक ही करना है, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 और ये चार स्टैंड अभी और बाकी हैं करने के लिए। तो आज 2 ही करूंगा, फिर अगले दिन करूंगा किसी और दिन, यार अभी तो नहीं कर पाऊंगा, हालत खराब हो गई। कभी बैठ रहा हूँ, कभी उठ रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसे करके इसको कर रहा हूँ। तो फटाफट चलो सेकंड वाले को भी निपटाते हैं, फिर मिलते हैं। देखो हाथों की हालत देख रहे हो, तो पूरी तरीके से सेट हो चुका हूँ मामला। अब फटाफट करते हैं इसको, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो भैया, यहाँ पर हो गया कांड। आरुष ने सेजल के बुक मार दिए आंख में, भाई अब क्या ही बोलो, और वो रो रही है यार। देखो मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ, क्या चक्कर है भाई तेरा, ये सीन क्या है, क्यों मारी तूने उसके बोर्ड ये बुक गलती से? क्या हर बार तेरे से ही क्यों होती है ये गलती? वो देख रहे हैं उसके आंख के नीचे यहाँ पे कितनी लग गई है, ये देख कितना मोटा हो गया इसकी आंख के नीचे। किसी भी दोनों में से किसी का रेस्पेक्ट नहीं किया, ना तो इसने बुक का रेस्पेक्ट किया, ना बड़ी बहन का रेस्पेक्ट किया, किसी का भी नहीं। तो कहां से बुद्धि आएगी जब तुम किताब को ऐसे फेंक के दे रहे हो, तो विद्या भी तुमसे उतनी ही दूर होती जाएगी। तभी तो ला रही है इतने कम नंबर यहाँ बैठा हुआ। उसके देख रहे हैं कितने अच्छे नंबर आते हैं, 20 में से 19 ऐसे नंबर आते हैं उसके। अब खुद के देख जरा एक बार, अब ऐसे खड़ा हो जाएगा मूर्ति की तरह। और इन्हें जाना है ट्रिप पे, जाना है इनको, इसकी ट्रिप शेड्यूल्ड है, जो कि मैंने अभी कैंसिल कर दिया ये सब देखते हुए। ना ही इसके नंबर आ रहे हैं, ना ही कुछ, ना ही ये पढ़ रहा है, ना ही कुछ ये कर रहा है, तो इसकी ट्रिप है कैंसिल भाई साहब। ये इसकी 21 तारीख को जाने वाली थी ट्रिप, अब आए मजे, ठीक है ना, ट्रिप कैंसिल। अब कर तू देख उल्टे सीधे काम, मारने में लगा यार, ये कोई तरीका है क्या यार, हद कर दी तूने तो बिल्कुल यार, इतना थोड़ी करता है कोई, फेंक के कौन देता है बुक, आराम से प्यार से पकड़ाता है ना बुक, क्या ये ले तेरी बुक। अब देखो शकल देखो जरा, सही में लग क्या ही बोलता हूँ मैं। तो यार अभी भी मैं लगा हुआ हूँ उसको पेंट करने में, और बच्चों को और सभी को लग गई है भूख, और अब ये जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। हैं भाई क्या लेने जा रहे हो, खाने के पीने का जुगाड़? मैगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बहुत बढ़िया। और दीप्ति ने क्या बोला? मैं टका टका। टका टका भी दीप्ति? हाँ।
तू टकाटक और गर्मी लग गई यार सारा काम निपटाने में। हाँ ये तो है, उसकी सफाई वफाई करने में ना काम टाइम लग ही जाता है यार। ये देख रहे हो मैंने यहाँ बालकनी में कितना गंदगी फैला दी है, लेकिन अभी भी ये पुताई का मेरा पेंट का काम चल रहा है। पर एक और स्टैंड मेरा पीछे की साइड पड़ा है तो वो रह रहा है, तो बस अब ये हो जाए तो मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा यार। तो चलो सही है, चलो ले आओ जो भी तुम्हें बोला गया है, ठीक है? ओके जी, ओके बाय। तो पेंट का सारा काम यार मेरा हो चुका है कंप्लीट, और अब ये दोनों की हो चुकी है सुलह। दोनों पहले लड़ रहे थे एक दूसरे से, अब सुलह हो चुकी है दोनों की। अब ये और ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, दोबारे बैठ गए हैं खा पी के, मस्त स्नैक्स खा पी के। मैगी खाई है इन्होंने तो, है ना भाई? मैगी 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 इसने भी हाँ। अच्छा तो भाई अब आज के बाद ये हरकतें करना छोड़ दे, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे, समझ गया? थोड़ा रिस्पेक्ट कर बड़ों की, समझे? तेरे से बड़ी है वो, तो गलती तेरे से ही होती है। ऐसा क्यों होता है हर बार कि तेरे से ही गलती होती है? कोई जवाब नहीं है, देखो कोई जवाब ही नहीं। तो हर बार यार मैं यही बोलता हूँ कि हर बार इससे ही गलती क्यों होती है, किसी और से गलती क्यों नहीं होती? भगवान मालिक है। तो चलो अब काफी समझा दिया है इसको, तो आगे से शायद ना ही करेगा ये, तो ठीक है बढ़िया है। तो भूख तो अब मुझे भी लग गई है, पानी वानी मैंने पी लिया है, और दीप्ति को देखता हूँ मैं क्या कर रही है। वो दीप्ति क्या कर रही है? अच्छा वॉश बेसिन में। हाँ मैं जा रहा हूँ बस धुलने के लिए इनको। तो यार अभी मैंने पूरे पूरे हाथ अपने धोए ना वहाँ पर तारपीन के तेल बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, उससे तो पूरा का पूरा वॉश बेसिन खराब हो गया था, पूरा तेल तेल जैसा हो गया था। तो दीप्ति उसको ही साफ करने में लगी हुई है अभी। तो काम मैंने भी किया, मेरे लिए भी काम काफी रहा, दीप्ति के लिए भी काम काफी रहा, तो काफी काम बढ़ गया है अब इस वजह से। तो अब दीप्ति को सारा यहाँ पर ये सारी सफाई ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। तो अरे हाँ, और ये देखो जहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, तो पैर के नीचे देखो, ये देख रहे हो कितनी गंदगी हो रही है। तो इसको अब धोने चलते हैं फटाफट से, नहा लो डायरेक्टली नहा लो। चलो यार मैं अब नहा ही लेता हूँ सीधा, क्योंकि पूरे कमरे में छप छप मैंने छाप दिए हैं सारे वो पैर के निशान। तो मैं फटाफट से नहा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स कल का मैंने जो व्लॉग बनाया था ना, उसकी क्लिप्स जो थी वीडियो क्लिप्स, वो पता नहीं कैसे खराब हो गई यार, वो चली नहीं रही है सही से। तो मैं दिखाता हूँ कल हमने क्या किया था। तो मेन गेट पे हमने करी थी पेंट, हमने करा था पेंट। तो मैं दिखाता हूँ इधर से, ये देखो वाओ सही लग रहा है ना, मस्त। तो हमने ये सारे के सारे ये गोल्डन गोल्डन हमने ये पेंट कर दिया था इसके ऊपर। ये फोकस कहीं और जा रहा है क्या? हाँ ये पूरे पूरा हमने पेंट कर दिया था, और ये साथ में हमने लड़ी भी लगा दी थी। ये लड़ियाँ हमने यहाँ पर लगाई इधर से येलो कलर की, और ऊपर यहाँ पे लगा दी। और इसके अलावा जो हमारी बालकनी है वहाँ पर भी मैंने लाइटिंग लगा दी है। तो वो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वो लाइटिंग कैसी लग रही है। एक मिनट देना दीप्ति, यहाँ आ जाऊँ, एक मिनट रुक जाओ यार, बस यहीं से दिखा दूंगा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने भी कल लाइटिंग लगा दी, यहाँ पर एक स्ट्रिप लाइट है और एक लड़ी है। तो ये दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और मैं बार बार यहाँ पर दीप्ति का काम ख़राब कर रहा हूँ। वो पोछा लगा रही है और वो मुझे मारने वाली है लग रहा थोड़ी देर में, तो मैं निकल लेता हूँ फटाफट नहाने के लिए। तो अभी इसको दिया था टेस्ट, और इसने वो टेस्ट चेक करने के लिए सेजल को दे दिया था, और ये महाराज जी उसमें सारे क्वेश्चन देखना भूल गए हैं। तो इसने सारे क्वेश्चन देखे नहीं उसमें कि कितने क्वेश्चन है, और पकड़ा दिया सीधा। तो सेजल ने बताया कि यार ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं करा, तब इसको समझ में आ रहा है कि उसने पेपर छोड़ ही दिया है पीछे का, देखा ही नहीं है। और अब बोल रहा है कि भाई मेरे को आता है वो, लेकिन मुझे दे दो मैं कर लूंगा उसको सही। तो भाई ऐसा ही काम तो स्कूल के पेपर में भी करता है, इसीलिए तेरे नंबर कम आते हैं, समझ गया? नहीं बोलो, ये देखो अब ये मेरे पैर दबा रहा है यहाँ पर, ये मेरे पैर वैर दबा रहा है, ये अब मेरी चापलूसी कर रहा है, हैं कि मैं उसे ट्रिप में जाने दूँ इसको लोहागढ़ फार्म, है ना? वहीं जा रहा है ना? नहीं, विशालगढ़। विशालगढ़ फार्म। तो ये अब ये मेरे पैर वैर दबा रहा है, मालिश कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, ताकि मैं इसको वहाँ पर जाने दूँ। भाई क्या लगता है सेजल तेरे को यार, इसको जाने देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं ना, दोस्तों के साथ करूंगा मजे।
मजे तो तू करेगा भाई, हमारे तो पैसे जा रहे मजे तो तू करेगा, हमारा क्या जा रहा, हमारा तो कुछ भी नहीं, बेकार। हाँ मजा तो करेगा, लेकिन जो तू रोज सजा दे रहा है हमको, जो स्कूल से पेपर ला ला के, उसका क्या करूं? अब तो रिवीजन मेरे 18 है। तो भाई अब आगे पीछे जो चला गया उसका क्या, अब आगे के लिए तो कराना तूने, वो पीछे वालों के लिए भी कर लेता तो अच्छा रहता ना। ए भैया ये बम बम फोड़ रहे हैं एली की, भाई हवा टाइट हो जा रही है बेचारी की, इतना डर रही है ना कि नहीं। हाँ। ये देखो ये देखो ये देखो, अब ये बिल्कुल ऐसा सोचेगी कहीं अंदर ऐसा जगह घुस जाओ जाके कहीं इसकी शक्ल ना दिखे। देखो कंबल के अंदर बेचारी बैठ गई है, बहुत ही ज्यादा डर रही है, और बम भी इतने बड़े बड़े फोड़ रहे हैं ना भाई बच्चे, ना ही पूछो, सुबह से ही लग जाते हैं वो फोड़ने के लिए, छुट्टी वाले दिन तो मान जा भाई, छोड़ दे। और जो दो नंबर कटे हैं वो मैंने गलती से छोड़ दिया था, नहीं, वो मुझे आता गलती करी थी, वो मुझे आता था। तो तू एक काम कर, मम्मी अगर बोल देगी तो मैं हाँ बोल दूंगा, जा। ले भाई मम्मी तो पैसे चिल्लाने लग गई कि मम्मी का डिपार्टमेंट नहीं है, पैसे देना तुम्हारा डिपार्टमेंट है इसके लिए। अरे पैसे का डिपार्टमेंट ठीक है, लेकिन था ना तो तुम भी बोल सकती हो ना कि जाएगा नहीं जाएगा क्या करेगा। ले भाई तेरी माँ तो कह रही कुछ नहीं पता, अब बता क्या करा जाए। चलो अभी देखते हैं भाई, सोचेंगे विचारेंगे तब देखेंगे क्या से जल, क्या कहती है। नहीं ऐसे थोड़ी की सीधा ही हाँ बोल देंगे। अभी मतलब घर के टेस्ट में ही तो 18 नंबर आए। सही बात है, दूसरे वाले टेस्ट में थोड़ी आ गए। टेस्ट में तो कर जाता है कल एक का दियो। अरे अरे गिर गई गिर गई। कल एक का दियो और वो मिलेगी तेरे को। हां ठीक है, तब तब पता लगेगा लाला जी का क्या हुआ। अरे कल तो पैसे देने, लाला जी ने केला खाया और कहां पिचकाया। हां तो कल दे दूंगा तो बढ़िया रहेगा। नहीं क्यों बढ़िया रहेगा, हम अपना बढ़िया देखेंगे ना। वैसे तो पता है मैं बचपन से हर ट्रिप में गई हूँ, बस यही 10th वाली में नहीं गई बस। प्लीज चलो देखते हैं भाई, अभी देखेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी मैं मम्मी विचार विमर्श करेंगे उसके बाद बताते हैं तेरे को फाइनल, ठीक है। ओके जी, हो गई है खत्म, तो मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ मार्केट में, सब्जी लेकर आते हैं। तो पहुंच गया हूँ यार मार्केट में, और मार्केट में बहुत भयंकर भीड़ है क्योंकि दिवाली आने वाली है ना, तो सभी लोग शॉपिंग कर रहे हैं और बाकी चीजें कर रहे हैं। तो ये देखो यार, फटाफट सामान लेता हूँ घर का जो भी लेना है, तो फिर चलते हैं घर, क्योंकि रौनक बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बहुत लोग घूम रहे हैं और शॉपिंग पे शॉपिंग करे जा रहे हैं भाई। मार्केट के अंदर, तो यहाँ दिखाता हूँ तुमको भीड़, ये देखो यार, इन्हें देख के लग रहा है ना दिवाली आ गई, अब यहाँ देख के लग रहा है कि दिवाली आ गई है। तो झोला मेरा ठूस ठूस के भर चुका है यार यहाँ पर पूरा भयंकर तरीके से, और ये देखो यहाँ पर कितने सारे गाय माता नंदी जी खड़े हैं, और अपनी गाड़ी भी इधर ही खड़ी है, कंधा दुख गया यार, इसको उठा के पूरा भर गया ये पूरा भयंकर तरीके से, कंधे में ना दर्द होने लग गया, लगता है इसकी रस्सी की ना वो लग गई, जैसे ये यहाँ पर लाइन सी पड़ जाती है ना वैसी पड़ गई है। तो चलो चलता हूँ यार घर, थक गया बहुत ज़्यादा। यार मैं सारी सब्जी लेकर के घर आ गया, और मैंने आखिरी में सोचा था कि मैं टमाटर आखिरी में लूँगा, लेकिन मैं टमाटर ही भूल गया, तो मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया, अब वो चीज़ मैं बाहर से लेने जा रहा हूँ। तो बताओ ऐसा तो हाल हो गया मेरा, गजनी जैसा हो गया मेरा हाल, कि मैं टमाटर ही लाना भूल गया, पूरी मंडी घूमी सब सामान लेकर आया लेकिन मैं टमाटर लाना भूल गया। सही है,
टमाटर मैंने ले लिया है और दीप्ति कर रही है वेट मेरा टमाटर के लिए, क्योंकि सब्जी उसने चढ़ा दी और टमाटर ही गोल हो गया मामला भाई। तो मैं कैसा भुलक्कड़ आदमी हूँ कि टमाटर नहीं लेकर आया, अब तो ले लिया खैर मैंने। तो अब चलते हैं और फुल ऑन सजावट देख रहे हो, मस्त मस्त ऊपर भी बिल्डिंगों के ऊपर भी लाइटिंग वाइटिंग सब लग चुकी है भाई मस्त वाली, और इधर भी लाइटिंग लग चुकी है। चलो चलते हैं अब घर। तो खाना पीना अपना हो चुका है यार, खाना खाने के बाद अब जा रहे हैं हम घूमने के लिए थोड़ा, क्योंकि घर से बाहर काफ़ी टाइम से निकले नहीं है, तो अपनी धन्नों के साथ अब घूमने के लिए जाएंगे। और ये आ गई हमारी जनता, आइए जी आइए बैठ जा, क्या ड्रामे कर रहा है ये देखना जरा इसके ड्रामे, हैं हैं चिंपैंजी है क्या तू, हैं सही में चिंपैंजी लग रहा भाई, आवाज़ भी निकाल दे फिर सही से निकाल आवाज, ऐसे क्या आवाज निकाला, सही से निकाल आवाज, सही में चिंपैंजी ही लग रहा है तू बिल्कुल। और ये आज ड्राइव करने वाली है एली भाई, चलो पीछे चलो, तुमको पीछे जाना है, तुम ड्राइव थोड़ी ना करोगी, चलो पीछे चलो, चलो 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 जाओ पीछे जाओ। तो चलो यार एली बैठ गई थी, मुझे लगा यही ड्राइव करेगी, तो हम चलते घूमने के लिए थोड़ा आज। क्या कह रहा है रोज कि उल्टी से बचेंगे हम, क्या क्या बातें कर रहा है ये, थोड़ा बोरा सा गया है, पगला सा हो गया जब से इसको पता लगा कि हमने इसको टूर पे जाने के लिए सिर्फ इसका वही साइन किया है और पैसे वैसे नहीं दिए, तब से ये कुछ थोड़ा पगला सा गया है, है? सिर्फ हमने भाई तेरे को सिर्फ वही कंसेंट फॉर्म भर के दिया, बाकी हमने पैसे नहीं दिए, ध्यान रख ले मजा आया पूरे पूरे भाई है क्यों वो वाला ये पिलिया है दूसरी सी घूम रही है इसको, इस, हाँ खा लेगी इसको, दे दे बगल में है ना, हाँ साइड करता है, एक मिनट रुको एक मिनट रुको, कर 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 डीएनडी पानी पूरी पे आ गए हम तो, डीएनडी पानी पूरी, चलो जाओ तुम देकर आओ उसको, देखो खा लेंगे ये तो यार, हाँ खा ले बेटा खा ले खा ले खा ले, बहुत बढ़िया। दाढ़ी वाला वो घूम रहा होगा कहीं, चलो कोई नहीं, जिसके नसीब में होता है वो गिर देख रही है, गिरा भी दिया रहा है नीचे, लेकिन चलो कोई नहीं खा लेंगे, उठा के रख दूँ ऊपर ऐसे सूंघ के खा ही लेंगे, उन्होंने छोड़ना थोड़ा कुछ भी नहीं है, नहीं क्या कहती है ये, खाने दे उसको, माँ है तेरी देख रहे हो कैसे कर रही है, चकड़ा है बहुत, चलो हम तो चलते हैं ना फिर, हमने दे दिया चलो है यार, पूरा पूरा फिनिश जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएगी तू, नहीं नहीं तो चल है मतलब वही है ना कि जब तक फिनिश नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएगी तो खा लेंगे, वो एरिन ने नहीं खाया पता नहीं क्यों, लेकिन खा ही लेते हैं वो तो, है ना, चलो ये तो खाते रहेंगे, हम चलते हैं यार घूमने के लिए, देखो देखो पगला गया भाई आज तो, ये पगला गया पूरा पूरा, पैसे नहीं मिले ना तो ये पगला चुका है पूरा भयंकर वाला, हो गया भाई हो गया इसका तो कांड, ये तो पगला गया भैया पूरी तरीके से पगला चुका है भयंकर वाला, क्या ही कहें भाई, समझा रहे लौंडे को अपने भाई, ये पगला गया थोड़ा, ये दे कैसी कैसी चकले बना रहा है, ये तो मेंटल हो गया भाई तेरा लौंडा, मेंटल हो गया है। तो घूम फिर के हम आ गए थे यार, बहुत मजा आया घूम फिर के बाहर, सड़कें नाप के रात के टाइम वो भी बहुत ही आनंद आता है, अगर आप भी जाओगे कभी तो बहुत मजा आएगा आपको, और उस कमरे से हंसी की आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि रात में अगर आप भी जाओगे तो खूब मज़ा आने वाला है सड़कें नापने में। तो चलो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए।